पैसा नहीं रहता तो विद्यापति जी लग रहे पहली झलक में वही लग रहा है वही विद्यापति विद्यापति ही लग रहा है वो छलक कर रहा है जी जी विद्यापति जी बहुत अच्छा था इनको इस बार दिसंबर वाला चालू का नया सेशन में संचालन एकदम पुश और हालांकि आप खुद मास्टर हैं इसके लेकिन और भी चीज़ों को छः महीने इसके साथ काम कर रहे हैं हाँ क्या आप आइए थोड़ा सा बात करना हाँ ठीक हाँ कल परसों कल तो नहीं परसों आइए इनको कहाँ इस सिवान में आपने बनाया कुछ बताइए इसके बारे में दर्शकों मैं जी मिथिला के हैं जनरल सामान्य जो संजीवनी बूटी लाए ये प्रेरणा आपको कैसे मिली है प्रेरणा इसे जड़ी बूटी के बारे में हम कुछ जानते हैं अच्छा अच्छा ये लोग बना रहे थे तो बनाने के क्रम में हमको मैंने लगा कि हम छुटका आया कि हम कुछ बनाएं तो इसी दरम्यान बनाना शुरू किए बनाना शुरू किया हमें दिमाग में लगा कि हम वैद्य जी के फोटो बनाए आप लोग अगर बनाते हैं लेकिन हम आपका शुभ नाम क्या हुआ मेरा नाम शिव शंकर शर्मा है शिव शंकर शर्मा कहाँ के रहने वाले गर्दनी मार गर्दनी के पास कहाँ से सीखा आपने सीखे नहीं है हम ऐसे ही देखते थे किससे पिताजी बनाते नहीं हमारा कोई नहीं बनाता हम जा तो कहाँ आपने देखा कहाँ आपने यहीं पर काम करते हैं और यहाँ पर आप काम करते हैं कैनवास वगैरह बनाते हैं कैनवास बनाते हैं और ये मूर्ति कब से आपने बनाना सीखा कब से बना रहे हैं बचपन से बचपन से बना रहे हैं आप ना बचपन से नहीं कब से ये तो बनाए पहली बार बनाए हैं और इतना अच्छा बना दिया आपने कब बनाए कब कितना साल पहले से बना रहे हैं आप कितना साल हुआ आप बना रहे हैं कितना साल से नहीं बना रहे हैं क्या बना मैं इसी छोटा मोटा घर में कुछ बनाते थे अंकल आप बना मैंने हम फोटो की काम करते हैं चित्र भी बनाते हैं फोटो वगैरह होता है तो बना के अपना चित्र बनाते हैं अच्छा चित्र नहीं तो पेंटिंग की जो फोटो होता है उसका फ्रेमिंग वगैरह फ्रेम करते हैं सजाते हैं और जैसे फोटो हुआ उसके बाद में शीशा लगा के फ्रेमिंग करके मैंने एक शिक्षक बना के कितना समय लगा इसे बनाने में आपको बनाने में 3 दिन से लगा 3 ही दिन लगा ऐसे आप मैंने कैसे लेकिन 3 दिन में तैयार कर पहली बार आपने बनाया और इतना अच्छा बनाया 3 दिन में बना दिया लेकिन हमारा अपने आप पर विश्वास नहीं बना था लेकिन हम चमत्कार हो गया बनाएंगे लेकिन लग गए तो लग गए लग गए सुबह से शाम में लगे हैं लग गए जुनून होता है ना जिसके पास जुनून होता है वो आदमी सफल होता है सफल होता है निश्चित कहा गया कि मन के हारे हार है मन के जीते जीते जो आदमी मन से हार जाता है उनका भी सफल नहीं होता आदमी किसी कभी भी आदमी को हारना नहीं चाहिए लेकिन उसके पास जुनून रहना चाहिए जब तक जुनून और इच्छा नहीं होगा तब कोई काम सफल नहीं कोई भी काम नहीं जब रुचि नहीं है ना तब काम आपने कभी सोचा था कि इतना सुंदर आप मूर्ति बनाएंगे सोचा नहीं था हम सोचते थे कि हम बना देंगे हमने आपको विश्वास था एक मिनट ये आज जो समाज में है वैद्य सही वैद्यों की कमी हो गई है क्या कहना चाहेंगे और कोई उसका महत्व नहीं है समाज अगर कोई है भी अच्छा वैद्य विश्वास नहीं करना चाहते हैं लेकिन जो वैद्य जड़ी बूटी में जो ताकत है आज की इंग्लिश दवा में ताकत है इसलिए क्योंकि पहले अंग्रेजी दवा नहीं था और वही दवा से जो इंद्र जो है ये सुखेन वैद्य हुए ये धनवंतरी हुए सुश्रित हुए बामभट हुए मैंने सैकड़ों जो वैद्य बने मैंने बनारस में जो देव लोग कहते हैं वहाँ चलता था सब समाज समुदाय में लोग मीटिंग करते थे एक संगठित होकर के उसके बारे में बताते थे कि जब ये दवा का प्रयाग नहीं होगा तो आदमी कैसे जीवित रहेगा तो पहले इंद्र को मैंने सेवा करते थे सुश्रुत के नाम से सुश्रुत और बाल महर्षि चरक चैवन ऋषि चरक ऋषि चैवन ऋषि तो लोग पहले के थे लेकिन बाद में जो आए थे धनवंतरी बहुत बाद में आए
पहले वो लोग देव ऋषि पतंजलि पतंजलि ऋषि बहुत बड़ा विद्वान थे। पतंजलि जो है पतंजलि ऋषि थे बहुत बड़ा विद्वान थे। उनके बारे में जानते हैं कि पतंजलि ऋषि बहुत बड़ा विद्वान थे और बहुत पारखी थे। कोई चीज़ को देखते थे तो मैंने बता दिया कि यही चीज़ दवाई दो हमें आप इसमें उन दुपाल तो करते हैं वो दवा। उसके बाद वो 1940-45 में वो दवा का निर्माण किए थे और 1919 में जो थे कौन बाबा करके थे उनका नाम भुला रहे हैं कोई है थे वो दवे के काम में करते थे। आदमी विश्वास अगर होगा तो आदमी दवा काम करता है। हाँ विश्वास। और आज तो क्या करते हैं अंग्रेजी दवा पत्थर जो है आप प्लास्टर कर देते हैं ऊपर शिकर हो जाता है नीचे से दलदल होता है टूट जाता है लेकिन वो जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है। हाँ मतलब ये हानि नहीं करता है आयुर्वेदिक दवाएं हानि नहीं करता है हानि साइड इफेक्ट नहीं करता और रही मात्रा है और सारी चीज मिलेगा। और रही सही बात की जो आज समाज में वैद्य हैं उनको सम्मान भी मिलना चाहिए। सम्मान नहीं सम्मान सम्मान उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन अंत में हार गुर के जारी पछता जाता है। अंत में जब स्थिति खराब होता है मरने समय होता है तो आदमी शांत करते चलिए कम से कम इधर देख लें देखते हैं तो परीक्षा निकल अच्छा निकलता है उसका रिजल्ट आता है तो उसमें विश्वास एक मिनट सरकार की ओर से भी सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलना ही चाहिए वैद्य को। शुरुआती जो होता है पुराना चीज़ जो होता है जो पुराने जो भी होता है वो सबसे कारगर होता है सब ठीक प्राकृतिक भी है प्राकृतिक है प्राकृतिक चीज़ को कोई अलग नहीं कर सकता। आज भी देखिए प्राकृतिक और जब इसे अपनाएंगे प्राकृतिक दवाएं जैसे आयुर्वेदिक है उसको अगर अपनाएंगे तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ भी होगा और हानि भी नहीं करेगा और कोई प्रकार की बीमारी ना हो। जैसे कि मान लीजिए आदमी बनाए कोई नीम का पेड़ है एक गुरीच है तो नीम का पेड़ जो है वनस्पति जगत में सबसे उत्तम होता है। हाँ। कोई भी बीमारी होता है उसको ठीक करता है इसीलिए इसको बनाए थे। गुरीच जो है गुरीच 17 बीमारी में काम करता है। डांस करेगा करते करते नीम का गुरीच हाँ पेड़ होता है वही गुरीच को रामदेव बाबा जो बनाते हैं उनका रामदेव बाबा जो अर्घ निकालते हैं अमृत बट्टी बोलता है बट्टी को बेचते हैं कम से कम 5,000 रुपये को 5,000 रुपये किलो बेचते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको आपने इतना सुंदर मूर्ति और पहली बार बनाया और एक तरह से चमत्कार जैसा ही लग रहा है और मेरी तो शुभकामना है कि आप और भविष्य में बनाएं और फिर आपको पुरस्कार मिले और एक आपकी पहचान बने। उपेंद्र महारथी में हम बनाने वाले हैं संसार चक्र जो संसार कैसे चलता है उसे विश्वास करता है आदमी और जो आदमी संसार में ग्रसित हो जाता है इस कारण होता है माया मोह में जो संसार जो माया के लिए बंद किया है एक संसार दिन सत से चलता है आशा रिपु और बहरा आशा और रिपु जो साथ में उसके साथ रहता है वही माया वो बैरागी जो है ना सात्विक होता है जो सत्य होता है जो सत्य होता है तो किसी को मानी कोई चीज़ को पकड़ने का हिम्मत नहीं होता है वो अपने रास्ता मार्ग स्वयं बनता है। और यहाँ आपने एक दिखाया है कोई पशु दिख रहा है ना वो क्या जिराफ है या ऊँट है पता नहीं क्या है। हाँ उसको जिराफ बना दिए हैं अब बैठल थे तो उसको बना दिए वो भी वहाँ रख दिए ना ठीक है बहुत बहुत बधाई आपको।